जहां एक तरफ भारत की संस्कृति के केंद्र भगवान राम के मंदिर का निर्माण का जो स्वप्न भारत के लोग पिछले 500 साल से देख रहे थे और हमारे अपने संविधान की मूल प्रति में मौलिक अधिकारों के खंड पर प्रभु श्री राम का सीता और लक्ष्मण जी का विजय के पश्चात अयोध्या लौटने का जो चित्र बना हुआ है वो चित्र इस बात का परिचायक है कि मौलिक अधिकारों के प्रेरणा स्रोत जो है वो भगवान श्री राम थे। लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जो 500 साल से प्रयास चल रहे थे और उसे राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए मजबूरियों के चलते हुए जिस तरह से निरंतर रोकने के प्रयास किए गए थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग न केवल पुनः प्रशस्त हुआ है अपितु करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र के रूप में भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को शिला जो है मूर्ति स्थापना के साथ में काम उस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसी तरह से काशी में विश्वनाथ के कॉरिडोर के निर्माण के साथ आज काशी की छटा जिस तरह से बदली है और एक नई काशी के रूप में आज जिस तरह से बनारस दिखाई देने लगा है, जहां दुनिया भर के लोग आकर के वास्तविक भारत और उसकी आध्यात्मिक राजधानी के रूप में काशी को निहार रहे हैं, काशी तमिल संगमम और उसके अतिरिक्त इस तरह से वहां मनाए जाने वाले उत्सवों के चलते हुए करोड़ों की संख्या में लोग आज बनारस में आकर के काशी में सैलानी के रूप में दर्शनार्थी के रूप में आकर के भारत की इस आध्यात्मिक राजधानी में उसकी सांस्कृतिक गहराई में डूब करके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और उसके चलते हुए बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को भी नए पंख मिले। इसी तरह से सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार, उज्जैन में महाकाल लोक का पुनरुद्धार, असम में गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर का पुनरुद्धार, उड़ीसा के जमुना जगन्नाथ मंदिर का पुनरुद्धार और चार धाम का कायाकल्प करने का और इस दृष्टिकोण से भारत को सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से एक बार फिर पूरे विश्व के पटल पर ले जाने में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त हुई है। इन सब के अतिरिक्त भी गुजरात के महसाणा में चालुक्य काल में बनाए गए सूर्य मंदिर का, मोढेरा के सूर्य मंदिर का पुनरुद्धार हुआ है, पुणे के देहू में तुकाराम महाराज के मंदिर, गुजरात के पावागढ़ में कालिका माता मंदिर, अंबा मंदिर, ऐसे अनेक सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्रों के पुनरुद्धार पर भी सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।